और राजधानी देहरादून में जांच भवन का निर्माण कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा। दून की ISBT रोड पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जांच भवन का शिलान्यास किया और इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। जाट महासभा ने जांच भवन के शिलान्यास कार्यक्रम को पूरा करवाया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की और जांच महासभा के इस प्रयास की सराहना भी की। मुख्यमंत्री ने भवन का शिलान्यास किया और इस दौरान भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की मदद देने की भी घोषणा की। ये बहुत अच्छा है कि जो यहाँ पर जाट बंधु हैं उत्तराखंड के, उन्होंने राजधानी में अपना एक अतिथि गृह यहाँ पर वो बना रहे हैं। राजधानी में तमाम जो कम्युनिटी हैं या हमारे जो धार्मिक स्थल होते हैं, बड़े केंद्र जो धर्म धार्मिक गतिविधियों के होते हैं, वहाँ पर भी सबकी इच्छा होती है कि उनका भी अपना कोई भवन हो, कोई धर्मशाला हो। एक तरह से प्राइड का विषय होता है, तो बहुत अच्छा उन लोगों ने यहाँ पर किया है, जाट भवन का शिलान्यास किया और इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। जाट महासभा ने जाट भवन के शिलान्यास कार्यक्रम को पूरा करवाया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की और जाट महासभा के इस प्रयास की सराहना भी की। मुख्यमंत्री ने भवन का शिलान्यास किया और इस दौरान भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की मदद देने की भी घोषणा की। ये बहुत अच्छा है कि जो यहाँ पर जाट बंधु हैं उत्तराखंड के, उन्होंने राजधानी में अपना एक अतिथि गृह यहाँ पर वो बना रहे हैं। राजधानी में तमाम जो कम्युनिटी हैं या हमारे जो धार्मिक स्थल होते हैं, बड़े केंद्र जो धर्म धार्मिक गतिविधियों के होते हैं, वहाँ पर भी सबकी इच्छा होती है कि उनका भी अपना कोई भवन हो, कोई धर्मशाला हो। एक तरह से प्राइड का विषय होता है, तो बहुत अच्छा उन लोगों ने यहाँ पर किया है, जाट भवन का शिलान्यास किया और इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। जाट महासभा ने जाट भवन के शिलान्यास कार्यक्रम को पूरा करवाया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की और जाट महासभा के इस प्रयास की सराहना भी की। मुख्यमंत्री ने भवन का शिलान्यास किया और इस दौरान भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की मदद देने की भी घोषणा की। ये बहुत अच्छा है कि जो यहाँ पर जाट बंधु हैं उत्तराखंड के, उन्होंने राजधानी में अपना एक अतिथि गृह यहाँ पर वो बना रहे हैं। राजधानी में तमाम जो कम्युनिटी हैं या हमारे जो धार्मिक स्थल होते हैं, बड़े केंद्र जो धर्म धार्मिक गतिविधियों के होते हैं, वहाँ पर भी सबकी इच्छा होती है कि उनका भी अपना कोई भवन हो, कोई धर्मशाला हो। एक तरह से प्राइड का विषय होता है, तो बहुत अच्छा उन लोगों ने यहाँ पर किया है। सबसे पहले खबरें पाने के लिए ABP गंगा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए। Facebook पेज है www.facebook.com/ABP गंगा। Twitter पर भी फॉलो कीजिए, हमारा Twitter हैंडल है twitter.com/ABP गंगा।